नमस्कार, मेरा नाम है आरुषि श्रीवास्तव और आप इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आज बात करने जा रहे हैं कपिल शर्मा शो की। जी हाँ, ये वही कपिल शर्मा हैं जो हम सभी के चहेते हैं। कॉमेडी से इन्होंने अपने करियर का शुरुआत किया है, इन्होंने कॉमेडी के साथ ही अपने शो को भी प्रोड्यूस किया है, ये डायरेक्टर भी रहे हैं, लेकिन अब इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल कपिल शर्मा शो का जो शो का नाम है द ग्रेट इंडियन कपिल शो, वो नेटफ्लिक्स पे प्रसारण किया गया था उसका, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर ही उस शो को बंद कर दिया गया है। इसके पीछे तमाम वजह बताई जा रही हैं, लेकिन मुख्य वजह क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल कपिल शर्मा शो जो 2 महीने नेटफ्लिक्स पर चला है, इस पर नेटफ्लिक्स ने करोड़ों के रुपए जो हैं वो खर्च किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो व्यूवरशिप नेटफ्लिक्स चाह रहा था वो व्यूवरशिप उसको नहीं मिली है। इसके पीछे की वजह मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि एक रीज़न है कि जब कपिल शर्मा शो जब टीवी पे आता था तो उसको फैमिली वाले मिलकर देखा करते थे, तो उसकी व्यूवरशिप जो है वो अच्छी खासी बढ़ती थी, लेकिन अब जब से वो नेटफ्लिक्स पर जब उसे वो टेलीकास्ट होना शुरू हुआ है, उसके व्यूवरशिप जो है वो भटक गई है। उसका व्यूवर समझ नहीं पा रहा है कि नेटफ्लिक्स पे उसको कैसे देखा जाए, क्योंकि जो कपिल शर्मा शो का जो व्यूवरशिप है वो फैमिली मेंबर्स का है, फैमिली वाले उसे देखना पसंद करते हैं। आपको एक और मज़ेदार बात बताती हूँ कि कपिल शर्मा शो को जो नेटफ्लिक्स पे आने के जो प्राइस है वो नेटफ्लिक्स ने 5 करोड़ रुपये पर एपिसोड दिया है, और इस नेटफ्लिक्स पे इसको लाने के लिए कपिल शर्मा शो ने बहुत ही तिगड़म भी भिराया है। उन्होंने सुनील ग्रोवर, जो कि उनके एक ज़माने के कट्टर दुश्मन कहलाते थे, उनके साथ इसमें पार्टनरशिप की, उनको लेकर आए ताकि व्यूअर्स को जो है इसमें डबल कॉमेडियन का धमाल देखने को मिले, लेकिन ये भी काम नहीं आया। जब फर्स्ट एपिसोड जब टेलीकास्ट हुआ था, उसके साथ ही कपिल शर्मा शो का जो क्रेज़ था वो धीरे धीरे कम होने लगा। जहाँ लोग पहले बात क्या करते थे उसके, जब टेलीविज़न पर कपिल शर्मा शो जब प्रसारण होता था तब जो लोग बात करते थे कपिल शर्मा शो के बारे में, वो सारी बातें होनी ख़त्म हो गई थी। यहाँ तक कि कपिल शर्मा का जो ब्रांड वैल्यू है वो भी घटना शुरू हो गया। यहाँ तक कि जब सुनील ग्रोवर को लेकर आए तो लोगों को लगा था कि सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा मिलके एक बहुत ही अच्छा धमाल दिखाने वाले हैं, नेटफ्लिक्स पर ये शो हिट होगा, लेकिन जो कि ऐसा हो नहीं पाया। इसके लिए सुनील ग्रोवर को पर एपिसोड 25 लाख रुपए भी दिए गए। अच्छा देखिए, यहाँ पे ये देखने वाली कितनी मज़ेदार बात है कि जिस हिसाब से नेटफ्लिक्स ने कपिल शर्मा को नेटफ्लिक्स पर लॉन्च करने के लिए पैसों की भरमार लगा दी, कपिल शर्मा को जहाँ 5 करोड़ दिए, सुनील ग्रोवर को 25 लाख रुपये दिए, और उसी हिसाब से अर्चना को भी सिर्फ और सिर्फ सोफे पे बैठ के ठकारे लगाने के, हंसने के 10 लाख रुपए पर एपिसोड दिए जा रहे थे, लेकिन फिर भी ये शो जो है कामयाब नहीं हो पाया नेटफ्लिक्स पे, और 2 महीने के अंदर अंदर ही इस शो को बंद करना पड़ा। एक और मज़ेदार बात मैं आपको बताती हूँ कि इस शो को नेटफ्लिक्स पे टेलीकास्ट होने के बाद अभिषेक, सुनील और शो के जो तमाम कॉमेडियंस थे वो डोर टू डोर जाके इसका प्रचार भी कर रहे थे कि आप नेटफ्लिक्स पे आए हमें देखिए, क्योंकि देखिए जैसा आपको बताया व्यूअरशिप इनका भटक गया, बिल्कुल समझ नहीं पाया था। जो फैमिली ओरिएंटेड पीपल हैं वो ये चीज़ समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर नेटफ्लिक्स पे हम कपिल शर्मा शो का एक्सेस कैसे कर पाए, और जिसके वजह से कपिल शर्मा को जो है बहुत ही ज़्यादा निराशा का भी सामना करना पड़ा, और उसके बाद जो है ये फैसला लिया गया कि नेटफ्लिक्स से इस शो को बंद कर दिया जाएगा। अब देखना ये मज़ेदार होगा कि इसके बाद कपिल शर्मा क्या करते हैं, क्या उनका शो फिर से एक बार टीवी पे रिलीज़ किया जाएगा, या वो किसी और शो में नज़र आएंगे, या फिर ये जो सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा की जो जोड़ी है ये वो फिर से टीवी पे कमाल करके दिखाएगी। ये देखना बहुत मज़ेदार होगा, और इस शो से रिलेटेड और एंटरटेनमेंट गॉसिप से रिलेटेड हर एक अपडेट्स आपको देगा इंडिया न्यूज़। आप बने रहिए हमारे साथ।